हेलो हाय वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। आज होगा आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी मैं आ रही हूँ रोड में से, यहाँ पे आई थी मैं सामान पहुँचाने के लिए, मतलब यहाँ पे तक आई थी मैं सामान पहुँचाने के लिए जो हल्द्वानी भेजना था, अब हल्द्वानी से मम्मी भी भेजी मेरा सामान। तो आज का मौसम देखो गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है और नदी भी देखो थोड़ी ख़राब आई है क्योंकि कल रात आ रही। तो फिर मेरे पास ऐसे दो माइक तो हैं बट अभी कल मैं ईयरफोन से अपने ब्लॉग्स देखती थी ना तो बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो अभी मैं सोच रहा हूँ लाने के लिए, तो बेस्ट कौन सा होगा प्लीज़ मुझे कमेंट करना। वैसे मेरे पास बोला कि दो माइक हैं, एक DSLR में लगाने वाला और एक वो वायर वाला है ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो देखती हूँ कौन सा लेती हूँ करके। वायर वाला हमेशा गले में लगाना ही पड़ता है ना, तब वो मेरी ज़्यादा मन नहीं आए। यहाँ पे सही जाते हैं कालीनाग देव जी के मंदिर के लिए और कैंप के लिए, तो सबसे पहले जय श्री देव कालीनाग जी। और अब मैं जाती हूँ घर को, खेत मार कर सब काम कर रहे। तो गाइज आज मैंने पिंक कलर का सूट पहना है, बेबी पिंक कलर का, रेड पजामा उसमें। तो गेट रेडी विथ मी बनाया इसके साथ मिनी ब्लॉग बनाया, तो मिनी ब्लॉग भी चेकआउट कर लेना आप लोग। तो ये बेड शीट बिछा दिया और मैंने अभी किया था सर को कॉल, अब मैं जा रही हूँ। ये कपड़े मैं सोच रही हूँ जीन्स आज नहीं धोती हूँ करके, थोड़े थोड़े करके धोती हूँ। दो जीन्स पे तकिया धूप में डाल दिया अपने, कवर निकाल के, और कंबल भी ये मम्मी का यहाँ पे डाला मैंने, और मशीन में भी कपड़े डाल दिए मैंने। बेड शीट वगैरह ही धो रही हूँ आज, कुछ नहीं धो रही। और ये भी धोती हूँ मैं थोड़ा। और ये देखो गाइस भूकंप आ रहा है, भूकंप। तो मशीन ना स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, तो मशीन के बारे में मैं बता दूंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं आता ना। स्टार्टिंग में मुझे भी नहीं आता था पावर, क्योंकि बहुत सारे फंक्शन होते हैं इसके। तो किसी दिन बताऊंगी मैं आपको जब ये बंद होगा। अभी देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि भूकंप आ रहा है। कल रात में बारिश हुई थी, सारा भीग गया हमारा, और मम्मी वहाँ पे भैंस को नहला रही है। तो ये हमारी भैंस है और ये बस आजकल एक टाइम दूध दे रही है, इतने ही हमारे पास, दो बकरी एक भैंस का बच्चा। एक बिल्ली भी है, गोद ले रखा है उस बिल्ली को हम लोगों ने। वो बिल्ली हमारे वहाँ खुद ही आ जाता है जब भूख लगती है। अभी देखो अभी कहाँ पे बैठा है, ये तो ताई की बिल्ली है, इसके लिए भी छाता ऑन कर रखा है हम लोगों ने, मजाक कर रही हूँ। सो अभी मैं लगाती हूँ वाइपर से पोछा, और मैंने हाथ में कड़े डाले ना गाइस, फिर से एलर्जी हो रही है, मैं इसे चेंज करती हूँ पहले। तो गाइस ये पोस्टर मैंने हल्द्वानी से मंगाया है, मतलब मेरी साड़ी का प्री वेडिंग की फोटो है, तो ये परसों भैया ने भेज दिया, अब हैमर ड्रिल। तो गाइस अभी मैं जा रही हूँ सामान लेने के लिए और 4:30 बज गए हैं और मैं जस्ट सोई थी, सो के कॉल आ गया था, तो जा रही हूँ। आज का मौसम देखो बहुत अच्छा हो रहा है आज का मौसम भी, और यहाँ पर तय सुबह शाम ठंडा होने लग गया। तो मम्मी ने हल्द्वानी से मेरे कपड़े भेजे हैं और थोड़ा बहुत सामान भेजा, क्योंकि कल मतलब मैंने कल सामान भेजा था और आज लेने जा रही हूँ। तो गाड़ी वाले भैया पता नहीं कब पहुँचते हैं। तो गाय जब भी मैं खा रही हूँ अमरूद, ये मम्मी खेत से लेके आई और यहाँ पे मैंने रखा है दवा। आज हम लोग मच्छी बना रहे थे, मैंने प्याज काट दिया है और इसके साथ लहसुन। तो गाइज आज ताऊ बहुत टाइम बाद हमारे घर में आए हैं, तो मैं ताऊ के लिए चाय बना रही हूँ। आज मैं इस ट्रे का उद्घाटन ताऊ को चाय देने से करूँगी, और ये एकदम प्यारा लग रहा ना गाइज देखो, ये आपको कैसा लगा कमेंट करना। ताऊ पहला आज एकदम बहुत टाइम बाद होना है, ताऊ आज बहुत टाइम के बाद आ रहे हैं हमारे उधर। और अभी चिप्स भी डले, चिप्स भी जो चिप्स ही पकड़ो। हाँ मच्छी बनाने के चल भैया, अम्मे ने दीदा खाया मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं ना गाइज की अपने बालों के बारे में बताओ बताओ करके। तो
तो अभी मैं अपने बालों में चंपी कर रही हूँ और कौन सा ऑयल यूज़ कर रही हूँ मैं आजकल वो बताऊँगी। वैसे हम लोग बचपन से सरसों का तेल यूज़ करते आ रहे हैं, बट अभी थोड़ा चेंज कर दिया मैंने क्योंकि बहुत हेयर फॉल हो रहे हैं और परसों मैंने मेहंदी का रखे हैं, आपने देख लिया होगा। तो चलो, तो गाइज हेड मसाज के लिए मैंने हेड मसाजर निकाल लिया है और तेल निकाल लिया मैंने आंवले का और सरसों का। आजकल प्योर सरसों मिलता है नहीं ना, तो यही लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मैंने सुना है ना इससे बाल अच्छे होते हैं क्योंकि मेरे एक दोस्त ने बताया था मुझे। तो चलिए आज हम करेंगे ना आंवले के तेल से चंपी और कैसे मसाज करती हूँ मैं आप चेकआउट कर लेना। तो गाय देखो मेरे बाल ना बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं बहुत ही ज़्यादा। तो मैं जब भी तेल लगाती हूँ ना बालों को सबसे पहले दो हिस्सों में डिवाइड कर लेती हूँ और अभी तो हो नहीं रहा और अभी ना मेरा मन नहीं कर रहा कंघी वगैरह करने का तो मैं कंघी कर नहीं रही हूँ। और ये देखो गाइस आंवले का तेल लगा रही हूँ मैं आजकल। आंवले का तेल भी बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। तो ऐसे लगाती हूँ मैं, जड़ों में लगाती हूँ और मेरा ब्लॉग जा ही नहीं रहा, बिल्कुल भी नहीं जा रहा ब्लॉग। और आज आप लोगों को पता है पिथौरागढ़ में मोदी जी आए, मैं उन्हें मुंह के सामने से देखना चाहती हूँ यार, बहुत मन है उन्हें देखने का मेरा। जब वो हल्द्वानी आए थे ना वो इतनी दूर थे तब भी नहीं देख पाई। सो गाइज मैंने बालों में हेड मसाजर से मैंने हेड मसाज कर लिया है और बालों में थोड़ा बहुत कंघी कर दिया मैंने और बहुत ज़्यादा बाल गिर गए, मैं इतनी परेशान हो गई ना। ये देखो कंघी मैं इससे करती हूँ, दूर दूर बड़े बड़े हैं ना जो पतले वाले होते हैं उससे तो बहुत ही बाल गिरते हैं। अब मैं इसे कल धोऊंगी। तो गाइज मैंने अपने बाल में चंपी कर लिया और आजकल मैं यही लगा रही हूँ। वैसे बचपन से हम लोग सरसों का तेल लगाते थे, सरसों का तेल बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और चलो कोई बात नहीं, यही लगा रही हूँ मैं आजकल और सनसिल्क लगा रही मैं और कभी क्लीनिंग प्लस। और गाइज बालों को मैंने अच्छे से चंपी कर लिया है, तो यहीं पे तक वीडियो को रखते हैं। और मेरी अभी वीडियो तो गई है नहीं, तो थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया मेरा, इतनी मेहनत से ब्लॉग बनाओ एडिट करो और नेट नहीं चलता तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी कंटिन्यू, टाटा बाय गाइज। और एक प्यारा सा कमेंट कर देना।